Good morning, students. Today we will learn the present continuous tense. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम present continuous tense का use कब कर सकते हैं. जो action, जो भी काम आप अभी कर रहे हो, जो काम आपका अभी शुरू है, उसके लिए आप use करोगे present continuous tense. Okay, students? चलो example. उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम. इट इज यूज टू शो दैट एन ऑनगोइंग एक्शन इज हैपनिंग नाउ. कोई भी एक्शन जो अभी हो रही है, जैसे कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये एक्शन अभी चालू है, चल रही है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो, तो ये आपका काम जो है वो अभी शुरू है, चल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं सब्जेक्ट्स, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं. सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, सिंगुलर या तो प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. स्टूडेंट्स चलो, अब सिंगुलर मतलब एक, बराबर आई, वो भी फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है. द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन. और खाली एक ही इंसान हो जो बोल रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई. और एक से ज़्यादा हो तो फर्स्ट पर्सन में वी. सेकंड पर्सन मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं. यू सिंगुलर में भी आता है, जैसे कि मैंने समझाया था, और प्लूरल फॉर्म में भी आता है, क्योंकि अगर हमारे सामने एक इंसान हो तो भी हम यू यूज़ करेंगे, एक से ज़्यादा हो तो भी हम यू का ही यूज़ करेंगे. ठीक उसी तरह थर्ड पर्सन मतलब हम किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं, जैसे कि ही शी इट, किसी लड़के के बारे में बात कर रहे हैं, रोहन किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, उस तरीके से हम यूज़ करेंगे ही शी इट. वो हुआ थर्ड पर्सन सिंगुलर. और अगर एक से ज़्यादा हो प्लूरल फॉर्म में, तो हम यूज़ करेंगे दे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स द हेल्पिंग वर्ब. अब हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, इज एम या तो आर. हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, क्या हैज या हैव. सिंपल पास्ट टेंस में स्टूडेंट्स डिड. और फ्यूचर टेंस में विल शैल. प्रेजेंट टेंस में डू डस, पास्ट फॉर्म में डिड, फ्यूचर टेंस में विल शैल. उसी तरीके से हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में is, am या तो are. और अब देखते हैं हम कि हमें is किसके साथ यूज़ करना है, am किसके साथ यूज़ करना है और are किसके साथ यूज़ करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल am हम खाली यूज़ करेंगे I के साथ. ओके, I के साथ हमेशा यूज़ करेंगे हम am. उसके बाद he, she, it सिंगुलर फॉर्म है, कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक चीज़ है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे is. जैसे कि मोहन, किसी का नाम है मोहन, उसके तो हम यूज़ करेंगे इज. मोहन, विशाल, गर्ल का नाम है हिना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें हम यूज़ करेंगे इज. और एक से ज़्यादा हो मतलब वी, यू, दे, वी, यू और दे के साथ हम यूज़ करेंगे आर का, क्योंकि प्लूरल फॉर्म है. ओके चलो नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं उसका सेंटेंस फॉर्मेशन. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सेंटेंस फॉर्मेशन लिखी हुई है. सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, मतलब कि ही, शी, इट, आई, वी, यू या फिर दे. उसके हिसाब से हम यूज़ करेंगे टू बी का फॉर्म, मतलब इज, एम या तो आर. उसके साथ यहाँ वी वन मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, उसके साथ क्या ज्वाइन होगा, आई एन जी, क्योंकि ये कंटिन्यूस टेंस है. हमेशा कंटिन्यूस टेंस में हम वर्ब के साथ आई एन जी लगाएंगे. उसके बाद लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, जैसे कि डांस होगा तो डांस का क्या हो जाएगा, डांसिंग, रीड का रीडिंग, क्लैप का क्लैपिंग, जंप का जंपिंग, इस तरीके से. क्लियर स्टूडेंट्स, अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं. उसमें भी एज इट इज सेम टू सेम है, सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट आ गया है, बी वन एंड देन लास्ट ऑब्जेक्ट. उसके बाद इंटरोगेटिव में भी फर्स्ट सबसे पहले टू बी का फॉर्म आएगा, इज एम या तो आर, सब्जेक्ट के हिसाब से हम लगाएंगे इज एम या तो आर. उसके बाद सब्जेक्ट बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटरोगेटिव एक्सक्लेमेशन, नहीं इंटरोगेटिव मार्क, एज इट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव में खाली एक नॉट एड हो जाएगा.
अब कुछ शॉर्ट फॉर्म है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जैसे कि आर नॉट हो तो हम उसको आरंट बना के लिख सकते हैं, इज नॉट हो तो उसको इजंट बना के लिख सकते हैं, एम नॉट हो तो उसका एम नॉट ही रहेगा, उसका कोई चेंज नहीं आएगा स्टूडेंट्स, क्लियर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देख सकते हो, आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम, ओके, सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट आई, उसके बाद आ गया एम, फिर वी वन प्लस आई एन जी, वी वन क्या है प्ले, उसके बाद क्या ऐड किया है हमने आई एन जी, तो प्लेइंग हो गया, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल, फुल स्टॉप। ये हुआ अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी सेंटेंस को हम क्रिएट करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में टर्न करेंगे, तो आई एम नॉट प्लेइंग फुटबॉल, सब एज इट इज सेम टू सेम है, खाली एक टू बी के फॉर्म के बाद नॉट ऐड हो चुका है, ओके। फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस, एम आई प्लेइंग फुटबॉल, सबसे पहले टू बी का फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब मतलब एम आ चुका है, फिर आई प्लेइंग फुटबॉल, उसके बाद एम आई नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंसेस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने कुछ ब्लैंक्स लिखी है, सो सबसे पहले उसकी हेडिंग पढ़ते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। यहाँ पे ब्लैंक्स है, विशाल ब्लैंक टू मार्केट, तो विशाल के साथ सबसे पहले हम टू बी का फॉर्म मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इज एम या तो आर, विशाल मतलब ही के साथ हम यूज़ करेंगे इज, विशाल इज, फिर गो का क्या हो जाएगा आई एन जी एड करेंगे तो गोइंग, विशाल इज गोइंग टू मार्केट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस, यू ब्लैंक नॉइस, ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया गया है मेक, तो मेक का क्या होगा यू के साथ क्या यूज करेंगे हम आर, यू आर, मेक का क्या होगा मेकिंग। स्टूडेंट्स इतना याद रखना है, अगर आपके वर्ब में लास्ट में ई है और आपको आई एन जी एड करना है तो लास्ट में जो ई होगा वो निकाल देना है, उसके बाद आपको आई एन जी एड करना है, एम ए के आई एन जी, ओके स्टूडेंट्स। अगर आपके वर्ब में लास्ट में ई है और आपको आई एन जी एड करना है तो ई निकाल देना है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस नंबर थ्री, दे ब्लैंक इन द हॉल, ब्रैकेट में क्या है डांस, तो क्यों दे के साथ क्या यूज़ करेंगे आर, डांस के साथ डांसिंग, ओके। यहाँ पे भी ई है तो हमने ई निकाल दिया है, उसके बाद आई ब्लैंक अ बुक, आई के साथ हम यूज़ करते हैं एम, आई एम रीड का हुआ रीडिंग अ बुक, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद वी ब्लैंक अ मूवी, ब्रैकेट में क्या है वॉच, वी के साथ हम यूज़ करेंगे आर, वॉच का वॉचिंग, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से इसकी फिलिंग द ब्लैंक्स हमने फिलअप कर ली। अब एक एग्जांपल में मैंने एक सेंटेंस लिखा है, रोहन इज स्विमिंग इन द रिवर, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है नेगेटिव सेंटेंस में, तो सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट, तो रोहन इज, फिर नॉट ऐड करेंगे नॉट, फिर सारा सेंटेंस एज इट इज स्विमिंग इन द रिवर, ये हुआ नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में, तो सबसे पहले क्या आएगा इज, उसके बाद सब्जेक्ट मतलब रोहन, इज रोहन स्विमिंग इन द रिवर, ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए इज रोहन नॉट स्विमिंग इन द रिवर, ये हुआ नेगेटिव इंटरोगेटिव, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पे याद रखना है जैसे कि स्विम है, ये बेस फॉर्म है वी वन, अब इसमें आई एन जी लगाना है तो लास्ट जो अल्फाबेट है वो डबल हो जाएगा स्विमिंग, देखो यहाँ पे एक है मैं, यहाँ पे दो, ऐसा क्यों, क्योंकि
जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसके पहले आई है, आई क्या है, एक वोवेल। अगर लास्ट टू सेकेंड अल्फ़ाबेट वोवेल होगा, लेटर वोवेल होगा लास्ट टू सेकेंड लेटर, तो हम लास्ट लेटर को डबल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? लास्ट में अगर ई हो तो हम ई को निकाल के आई एन जी लगाएंगे, और लास्ट टू सेकेंड लेटर अगर वोवेल हो तो हम लास्ट लेटर को डबल कर देंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ फिनिश होता है द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करो, खुद से सेंटेंसेस बनाओ, उसको टर्न करो नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, और प्रैक्टिस करो।